हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अगर आपका सिलेक्शन एसएससी एमटीएस के थ्रू किसी भी डिपार्टमेंट में होता है। आपको पता है एसएससी एमटीएस में जो सिलेक्शन होता है वो एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए नहीं होता, डिफरेंट डिपार्टमेंट के लिए होता है। लगभग 20+ डिपार्टमेंट हैं जहां पर आप एज ए एमटीएस जाते हो थ्रू एसएससी एमटीएस एग्जामिनेशन। अब अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाते हो, वो हम इस वीडियो में बात नहीं कर रहे हैं। हम बात ये कर रहे हैं कि आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाओ, लेकिन अगर आप एक दूसरी स्टेट में जाते हो और कुछ टाइम बाद, जैसे कि आपको पता है एसएससी एमटीएस एक सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, तो कुछ टाइम बाद अगर आप वापस आना चाहो अपनी होम स्टेट में, कहीं पर किसी ऑफिस में, अगर आपको लगे कि जैसे आप नॉर्थ में हो, आपका सिलेक्शन हो साउथ में, तो वापस क्या आप नॉर्थ की किसी स्टेट में ट्रांसफर ले सकते हो या नहीं, एसएससी एमटीएस की जॉब है उसमें ट्रांसफर है या नहीं, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोज। तो जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि एसएससी एमटीएस में ट्रांसफर है या नहीं, देखो मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है एसएससी एमटीएस पे, जिसमें मैंने बताया कि एसएससी की एमटीएस की वर्क प्रोफाइल जो हम सुनते हैं, जो गूगल पर आप देखते हो, वो नहीं होती, अच्छी होती है। लेकिन इसका डीमेरिट यही है कि इसमें ट्रांसफर नहीं होता। अगर एक बार सपोज आप यूपी, दिल्ली, बिहार इधर से हो और आपका सिलेक्शन सपोज तमिलनाडु, केरल इधर हो जाता है, तो आपको दूसरा ही एग्जाम निकालना पड़ेगा अपने होम स्टेट आने के लिए, या आपको दोबारा से एमटीएस देके इतने नंबर लाने पड़ेंगे कि आपको होम स्टेट मिल जाए। इसमें ट्रांसफर नहीं है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि कल को कोई और गवर्नमेंट आए और वो ट्रांसफर ऑन कर दे, मतलब ट्रांसफर बोल दे कि हाँ हो सकता है, ठीक है। कल को ऐसा नहीं है कि ये एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल है कि भाई हो ही नहीं सकता, ये पहले होता था, अभी बंद किया है, लेकिन आगे भी हो सकता है। लेकिन अभी के सिनेरियो से आपको अपने माइंड में ये ध्यान रखना पड़ेगा कि एसएससी एमटीएस में ट्रांसफर नहीं होता। ये वीडियो बनाने का पर्पज ये है, अगर आप एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हो तो थोड़ा अच्छे से करो और अच्छे मेहनत से करो। सिलेक्शन लेने के लिए मत करो, अपनी होम स्टेट में सिलेक्शन लेने के लिए करो। ध्यान रखो ये बात, आपको सिलेक्शन नहीं लेना है, आपको अपनी होम स्टेट में सिलेक्शन लेना है। आई होप ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर मोर वीडियोज रिगार्डिंग एसएससी। जितने भी डाउट होते हैं सारे आपको इस चैनल पर क्लियर करने को, क्लियर सारे डाउट्स जो भी होंगे वो इस चैनल पर क्लियर हो रहे होंगे आपके। आपसे मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई ख्याल रखिए अपना।